पुलिस के पास फोन करने के बाद हम पुलिस को बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि इन्हें ले जाओ, आप हॉस्पिटल में ले जाओ, सिविल हॉस्पिटल में। हम है ना पूछताछ बाद में करेंगे, इनकी हालत बहुत खराब है। वो पुलिस वाला अंदर इस लड़की को लेके जाता है और बोलता है स्टेटमेंट लिखो। जब ये बच्ची स्टेटमेंट लिखती है तो जैसे ही हरदीप यादव कंपनी मालिक का नाम आता है तो वो स्टेटमेंट को फाड़ देता है, फिर दोबारा लिखने के लिए बोलता है। इस तरीके से इस लड़की ने 3 बार की है। सर बोलो। सर मेरा नाम विकास कांगड़ा है। आप लोगों को मैंने मैसेज भी दिया और प्रेस नोट भी आज के दिन हमने दी थी। एससी कमीशन के अंदर दलितों के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, दलितों को जो मारा पीटा जा रहा है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बारे में। और मेरे पास मैं कॉपी भी दे दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो अस्थियां है ये गुड़गांव में 10 अगस्त 2021 को शेर सिंह वाल्मीकि की हत्या कंपनी के अंदर कर दी गई थी। और हत्या करने में कंपनी का मालिक और दो व्यक्ति, दोनों ये 3 लोग शामिल थे। कंपनी के मालिक का नाम हरदीप यादव है। इस केस को 10 महीने हो चुके हैं लेकिन मुख्य आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया। दिल्ली नावल का 1 अगस्त को आप सभी लोगों ने वहां पर आकर उस बच्ची के लिए जो आवाज उठाई थी, दिल्ली नावल के हम प्रोटेस्ट में थे। मैं स्टार्टिंग से ही उस केस को देखने लग रहा था। 13 तारीख को हमने वो स्थगित किया। 14 तारीख को शेर सिंह की बेटी अमिता, इसका मेरे पास कॉल आ गया और हम इनके पास गए। जब हम इनके पास गए तो 16 तारीख को इन लोगों का मेरे पास फिर फोन आया। इनकी जान को खतरा था और ये 18 अगस्त को मेरे को बोलने लगे कि भैया हमारी जान को खतरा है। तो मैंने सोचा 2-4 दिन के लिए मैं अपने घर पे ही रख लेता उनको। तो वो 18 अगस्त से और आज तक ये मेरे पास ही है। इनका खाना पीना सारा सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शेर सिंह वाल्मीकि का तो मर्डर कर ही दिया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि शेर सिंह की किसी बच्ची को और लड़के को उठा के कहीं नाले के अंदर इनकी लाश मिले या बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए और फिर हम कैंडल मार्च लेकर सहानुभूति दें। ये मैं नहीं चाहता था, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी वो सभी काम एससी कमीशन को और शासन प्रशासन को करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आज आप लोगों को हम वो खुलासे बताएंगे जो इस केस के अंदर तो हो ही रहा है, लेकिन ये केस तो आप लोगों ने, चलो आप मीडिया के माध्यम से इस केस को तो हाईलाइट कर दिया, लेकिन ऐसे न जाने कितने शेर सिंह वाल्मीकि हैं जो बेचारे अब तक न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। शेर सिंह वाल्मीकि के केस के अंदर स्टार्टिंग में मैं आपको शुरू से बताऊंगा, जब हमने गुड़गांव के अंदर कमिश्नर साहब के पास में एप्लीकेशन लगाई तो वहां से कुछ नहीं हुआ। लास्ट में क्या होता है, मेरे पास ही खुद, जब पुलिस को लगता है कि विकास कांगड़ा के घर पर ये फैमिली है, तो मेरे पास ही पुलिस के फोन आने लगे। और शेर सिंह के केस के बारे में मुझसे बेहतर शेर सिंह की वाइफ हमारे साथ में मौजूद है और ये अमिता, शेर सिंह के 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 2 लड़के। ये सबसे छोटी लड़की है। मैं बताऊंगा पूरे उस चीज के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शेर सिंह की वाइफ, आप लोगों को जो परिवार जो बता सकता है शायद मैं उसको ठीक से ना बता पाऊं। नमस्ते, मैं शेर सिंह वाल्मीकि की बेटी हूँ, बीच की अमिता नाम मेरा। मेरे पापा के साथ 10 अगस्त को जो भी जिसने भी मारा था उसको मैं आपके बारे में, आप अपने हकून के बारे में मैं बताऊंगी।
10 अगस्त को मेरे पापा गए थे लंच करके कंपनी में बात करने। वहां पे पापा की मैं पापा चले गए, वहां पे मेरे पास आती है 7 बजे कॉल। 7 बजे कॉल, एक अज्ञात व्यक्ति कॉल करता है, कहता है कि आप शेर सिंह के घर से बोल रहे हो? तो मैं कहती हूँ हाँ। तो वो कहता है कि आपके पापा बहुत गंभीर हालत में रोड पे पड़े हैं, किसी ने उन्हें मार के बाहर फेंक दिया। तो मैं अपने भाई के पास जाती हूँ, वरुण के पास, और मेरा छोटा भाई है आज नाम का। तो मैं उनके पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ वरुण पापा को किसी ने मार के बाहर डाल दिया है, तो भाई जा, पापा तुझे बुला रहे हैं। तो पापा से मैं अपने भाई से बोलती हूँ कि पापा ने मुझे बताया ऐसे ऐसे बात है, मुझे कंपनी नंबर 26 में मार के मुझे बाहर फेंक दिया है, और कंपनी का मालिक हरदीप यादव और 2 अज्ञात व्यक्ति ने मुझे मार के बाहर फेंक दिया, तो वरुण को भेज दे। तो मैं अपने भाई को भेजती हूँ, तो मेरा भाई जाता है। तो मेरा भाई जब आता है तो पापा की हालत हम देखते हैं तो बहुत बहुत गंभीर होती है। उनके 2 नाखून निकले होते हैं उनके हाथ के, और पैरों में मतलब पता नहीं किसी चीज से वार किया, अपने गहरे छेद होते हैं, मतलब बहुत बुरी हालत होती है उनकी। तो हम उनके देख के हम लोग भाप को जाते हैं, हम रोने लगते हैं कि पापा क्या हुआ, कैसे, किसने क्या किया। तो मेरे पापा मुझे बताते हैं, हम सभी होते हैं हम फैमिली के, तो बताते हैं बेटा मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे बिना फालतू में मारा था। कहते हैं, हम फिर पूछते हैं पापा सच बताओ क्या बात थी हमें बताओ। तो पापा मेरे कहते हैं बेटा मैं कंपनी नंबर 26 में वहां भाव उसके पास जा रहा था, तो कंपनी नंबर की 26 ने मुझे आवाज दी, गार्ड की आवाज ने आवाज दी मुझे। तो मैं उससे पीछे मुड़ के कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, मैं कंपनी में बात करके अभी वापस आता हूँ। तो जब मैं वापस जाता हूँ बात करके कंपनी से, तो वहां पे गार्ड मौजूद नहीं होता है। तो पापा वहां कंपनी के बाहर खड़े होकर गार्ड को देखने लगते हैं और उसे पूछते हैं, वहां पे 2 अज्ञात व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं, मेरे पापा उससे पूछने लगते हैं कि यहाँ पे धनपत है, धनपत गार्ड है। तो वो 2 व्यक्ति कुछ नहीं बोलते हैं, अंदर खींच के ले जाकर मेरे पापा को बहुत मारते हैं। ऐसे मेरे पापा बताते हैं कि मुझे बहुत मारा और मार के मुझे बाहर फेंक दिया। फिर हम लोग रोने लगते हैं, पापा की चोटें देख के हम कपड़े चेंज करते हैं, फिर हम पुलिस के पास फोन करते हैं। पुलिस के पास फोन करने के बाद हम पुलिस को बुलाते हैं, बुलाने के बाद वो पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि इन्हें ले जाओ आप हॉस्पिटल में, ले जाओ सिविल हॉस्पिटल में, हम है ना पूछताछ बाद में करेंगे, इनकी हालत बहुत खराब है। तो हम मेरी मम्मी, मेरा भाई और एक पड़ोस में एक लड़का रहता था, वो जाता है हॉस्पिटल में पापा को ले जाके ऑटो से। पुलिस वाले फिर भी कोई मदद नहीं करते हमारी, ये कहते तुम ले जाओ। तो मेरा भाई ले जाता है, ले जाने के बाद वहां पे ये बहुत ही ज्यादा नर्वस है, फर्स्ट टाइम ये ऐसे कैमरों के सामने आए, इनको शायद इतना कुछ बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है। इस बच्ची के साथ जब ये थाने के अंदर गई, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद एक लड़की के साथ बंद कमरे में एक दलबीर एसआई, दलबीर पुनिया सिंह जिसका नाम है, वो पुलिस वाला अंदर इस लड़की को लेके जाता है और बोलता है स्टेटमेंट लिखो। जब ये बच्ची स्टेटमेंट लिखती है तो जैसे ही हरदीप यादव कंपनी मालिक का नाम आता है तो वो स्टेटमेंट को फाड़ देता है, फिर दोबारा लिखने के लिए बोलता है। इस तरीके से इस लड़के ने 3 बार किए, सच बोलो। फिर उसके बाद में इसके यहां से पकड़कर इसको गाली गलौज दी, लुच्ची लफंगी लेना देना पता नहीं क्या क्या भद्र भाषा है। और तो और जिस कमरे के अंदर ये लड़की थी वहां पर कोई लेडी पुलिस भी नहीं थी और 4 पुलिस वाले मौजूद थे, और ये बच्ची डर इतना डर रही थी कि कैसे न कैसे करके ये बाहर जाना चाहती थी। ये नर्वस है इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों की जो स्टेटमेंट है वो सारी ऑन रिकॉर्ड पुलिस के पास में है और कमीशन के पास में भी है। तब जबरन
इनके पिताजी का दाह संस्कार करवा दिया जाता है, ये रोकते हैं और पुलिस ने स्टेटमेंट के अंदर मेन एक्यूज जो है हरदीप यादव जो हत्यारा है उसका नाम आने नहीं दिया। फिर बात आती है न्याय के लिए, दो लोगों को कुछ दिन बाद पकड़ा जाते हैं दो लोग, और उन दो लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है आज तक कि ये कौन है, किनको पकड़ा है। पुलिस बोलती है कि हमने मुख्य आरोपी यही थे, हमने इनको पकड़ लिया है, जबकि एससी एसटी एक्ट भी नहीं लगा था और हरदीप यादव शेर सिंह वाल्मीकि को कम से कम नहीं तो 15-20 सालों से जानता था। इस केस के अंदर एफआईआर के अंदर एससी एसटी एक्ट भी नहीं लगा था। एससी एसटी एक्ट लगाने के लिए हम 1 जनवरी को एससी कमीशन में नीचे गए, लेकिन जैसे ही हमने अपनी समस्या के बारे में बताया हमें किसी ने मिलने नहीं दिया, ऊपर जाने नहीं दिया, तो हमने ठान लिया कि हम नीचे ही बैठेंगे। और इस परिवार ने अब तक कसम खा रखी है कि जब तक इनके पिताजी का मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता या इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इन अस्थियों का विसर्जन तक नहीं करेंगे।